ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमारी योग तपस्या चल रही है और हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जैसे श्रेष्ठ कर्म उन्होंने किए, जैसे एक्टिव और चुस्त वे रहे, जिनके जीवन में कभी भी अलबेलापन और आलस नहीं था, वैसा ही हमें भी बनना है। श्रेष्ठ तपस्या के लिए ये परमावश्यक होता है कि हम बहुत एक्टिव हों, सदा मन में श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की लगन लगी हुई हो। ब्रह्मा बाबा सदा ही श्रेष्ठ लगन में मगन रहे। उन्होंने ऐसे रीतिपन का बहुत अच्छा अभ्यास किया। हम भी फॉलो फादर करके उनकी तरह संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। देखिए, सबसे महान त्याग था उनका, सबसे ज्यादा समर्पण भाव था उनका, और सबसे बड़े वैरागी थे वो। तीन ये धारणाएं हैं जो तपस्या के मूल में है। त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और पूरा जीवन कहीं भी मैंपन को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। ये मैंपन हमें योग युक्त होने में सबसे बड़ी बाधा डालता है। मेरापन आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं बंधनों में बंध जाते हैं, परंतु इन दोनों को त्याग करने वाली आत्मा सहज ही योग युक्त हो जाती है। तो बाबा जैसा त्याग और उनके जैसी समर्पण मेहता। केवल ये नहीं कि उन्होंने अपनी सारी धन संपदा त्याग कर दी, समर्पित कर दी, और आप सोचो हम तो ये काम कर नहीं सकते। बात केवल धन संपदा के त्याग और समर्पण नेता का नहीं है, बात है सब कुछ तेरा, मन से, बुद्धि से, संकल्पों से बाबा पर समर्पित हो जाना, अपने घर को अपना घर न मानकर बाबा का यज्ञ बना देना, चित्त में हर कर्म बाबा के लिए करना, ये संकल्प कर दे, चित्त में ये पक्की धारणा हो जाए, मेरा हर कर्म बाबा तुम्हारे लिए, और अपने कर्मों को भी बाबा पर समर्पित करते चलना, अपने लिए कुछ भी कर्म न करना। राजयोग माना बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा कभी दी, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बिल्कुल साकार हो उठी थी। राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे हम भी समर्पण भाव अपना कर बाबा की तरह सब कुछ तेरा करते, बहुत सुंदर अभ्यास करें कि मेरा एक एक संकल्प तुम्हारे लिए, मेरा एक एक संकल्प ऐसा हो जो बाबा को भोग लगाने जैसा हो, मेरा एक एक संकल्प ऐसा हो जो भगवान को बहुत प्रिय हो, मेरा एक एक संकल्प ऐसा हो जिससे पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती हो। ऐसे संकल्प संसार के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो हम बाबा को फॉलो करके बाबा जैसी गहन तपस्या करें। बाबा का आखिरी एक दो साल में निरंतर योग अभ्यास था। सभी संकल्प उनके समाप्त हो गए थे, केवल बाबा बाबा ही चित्त में रह गया था, मानो बाबा में वो समा गए थे। और अंत में ऐसा लगता था देखने वालों को कि जैसे उनके तन में निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा सदा ही रहते हैं, पर वो रहते नहीं थे। ब्रह्मा बाबा की अपनी निराकारी स्थिति इतनी स्पष्ट हो गई थी कि निराकार परमात्मा और उनमें मानो कोई अंतर ही न रह गया हो। बाबा की दृष्टि से निरंतर शिव बाबा दिखाई देते थे।
तो आज हम भी सारा दिन ऐसा अभ्यास करेंगे कि बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। बहुत अच्छा ये अनुभव है, मानो ऊपर से बाबा की शक्तियों की बरसात हो रही है और बाबा को फॉलो करेंगे। ओम शांति।